डियर शार्क्स, बड़े सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है अपने सपनों को पूरा करने का। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिससे एक ऑर्डिनरी घर का बच्चा अपने और अपने परिवार की लाइफ बदल सकता है। आजकल तो कंप्यूटर के इस्तेमाल से एक स्टूडेंट हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन बिना ज्योग्राफिकल सीमाओं के ले सकता है और अपने एजुकेशन के खर्चे को 85% से कम कर सकता है। हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी डिजिटल लिटरेसी को कंपलसरी माना गया है। शार्क्स, बातें तो बहुत हो रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, डिजिटल लर्निंग की, डिजिटल इंडिया की, लेकिन आज भी हमारे देश में लगभग 10 में से सिर्फ एक ही बच्चे के पास लैपटॉप है। इसका मतलब ये है कि 23 करोड़ ऐसे हिंदुस्तानी बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा आखिर क्यों? इसका पहला रीजन है, मार्केट में जो लैपटॉप्स मिलते हैं वो काफी महंगे हैं। और दूसरा रीजन है, विंडोज लैपटॉप पर हम एंड्रॉयड ऐप्स यूज नहीं कर सकते, जबकि सारी पढ़ाई एंड्रॉयड ऐप्स पर होती है। सो शार्क्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्राइम बुक, एक नए तरीके का एंड्रॉयड लैपटॉप जो है प्रोडक्टिव एंड डिजिटल सेफ। और ये लैपटॉप स्मार्टफोन जितना किफायती है। शार्क्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी है, लेकिन नहीं, प्राइम बुक का असली मैजिक है हमारा खुद का बनाया हुआ मेड इन इंडिया इनोवेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइम ओएस। वाओ वाओ। हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पिछले 3 सालों में 140 देशों में 30 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और शार्क्स, जहां बात आती है हमारे प्राइम बुक लैपटॉप की, सिर्फ 2 महीने पहले ही बेचना शुरू किया है और हम इसे कुछ एडटेक कंपनीज और एनजीओस को बेच चुके हैं। शार्क्स, प्राइम बुक एक विजन है 23 करोड़ हिंदुस्तानी बच्चों तक कंप्यूटर पहुंचाने का। मेरा नाम है चित्रांशु, मैं बिलोंग करता हूं डबरा जिला ग्वालियर से। मेरा नाम है उमंग, मैं हूं दिल्ली से। मेरा नाम है पंकज, मैं हूं देहरादून से। और मैं हूं अमन, दिल्ली से। और आज हमारी आपसे आस्क है बहुत सारी गाइडेंस और 75 लाख रुपए फॉर 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। वाओ। चलिए थोड़ा इसके बारे में बताइए, आप लोग 4 अलग अलग शहर से हो, कैसे मिले? तो मैं और अमन, हम लोग आईआईटी दिल्ली 2015 के ग्रेजुएट हैं। अच्छा जी। और हम दोनों रूममेट्स थे। उमंग हमें काफी लकीली मिला, एक्चुअली मैं एक कॉलेज में गया था एज ए स्पीकर। स्पीकर, वाह भैया, मजे आ गए। तो वहां पर उमंग मिला हमें, फिर उसके 6 महीने बाद पंकज आया थ्रू अ कॉमन कनेक्ट। तो अभी रोल्स क्या हैं आपके? मैं सीईओ हूँ। सीईओ? हाँ। मैं सीटीओ हूँ। मैं बिजनेस हेड हूँ। एंड सीईओ। टाइटल्स में मजा आ रहा है? इनडिफरेंट है। एक बार इक्विटी स्ट्रक्चर बता दीजिए फिर। मेरी 20 है। आपकी 20? मेरी 15 है। हाँ। 5, 20, 10 ESOP, 30 इन्वेस्टर्स। टीम कितनी बड़ी है? 14 लोगों की टीम है। डेवलपर्स कितने हैं उसमें से? 5। चलिए एक बात बताइए, लक्ष्य और मकसद तो काफी जबरदस्त है। हर बच्चे के हाथ में एक कंप्यूटर होना चाहिए, बिल गेट्स ने कहा था ये बहुत साल पहले। वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वहां तो सपना पूरा हो गया, हमारे जैसे देशों में ये सपना पूरा नहीं। अभी आपने फिर से ये सपना देखा है एक नए तरीके से, तो क्यों ये बात हुई? क्योंकि इसके विकल्प तो बहुत है। एक थ्योरी है सर हमारी। हाँ जी। 1980s में जब ऐसे कंप्यूटर्स आए तो मेजरली यूज किया साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने। सही है। फिर 2000 में जब विंडोज आ गया, एक्सपैंड हुए बिजनेसेस में। अभी 2020 में ना एक नई कैटेगरी आई है यूजर्स की, वो है स्टूडेंट्स। तो इस कैटेगरी को सर्व करने के लिए एक नई कैटेगरी का लैपटॉप भी आना जरूरी है। पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम तो एंड्रॉइड पे है, बेटर फॉर्म फैक्टर है लैपटॉप, तो इन दोनों का मर्जर हमने ये नई कैटेगरी निकाली है। एंड्रॉइड लैपटॉप जो आप बना रहे हो उसका क्या फायदा? एक तो ऐप इकोसिस्टम, यूजली स्टूडेंट्स के सारे ऐप एंड्रॉइड पे। दूसरा है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। एंड्रॉइड इसी तरह से डिजाइंड है कि वो 10,000 के हार्डवेयर पे सीमलेसली बढ़िया चलता है। विंडोज इस तरह से डिजाइंड ही नहीं है उसके सॉफ्टवेयर्स सीमलेसली चला पाओ। चलो ठीक है, फोन को बड़ा कर दिया और लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया, am I right? इन अ वे समझ सकते हो। आपका प्राइस क्या है? 15,000। अच्छा सर, इफ यू अलाउ अस, वी वांटेड टू शो यू अ डेमो। हाँ, बढ़िया रहेगा।
मेरे हाथ में है वर्ल्ड का सबसे पहला 4G enabled Android लैपटॉप। इसमें है 11.6 इंच HD स्क्रीन, 12 घंटे की बैटरी लाइफ, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल अप टू 200GB, सारे नेसेसरी पोर्ट्स और सबसे जरूरी 4G सिम कनेक्टिविटी। स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए इसमें सारे एप्स खुलते हैं एक मल्टी विंडो फ्रेमवर्क में। तो ये तो नॉर्मल लैपटॉप जैसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली सर। प्राइम ओएस में है हमारा खुद का ऐप स्टोर जो देता है एक्सेस 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली एप्लीकेशंस का। अब स्टूडेंट्स एजुकेशनल, क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग एप्स को प्राइम बुक लैपटॉप पे सीमलेसली यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं? श्योर उससे शायद समझ आ जाए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको कहते हैं MDM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर बात करें वो सारे प्राइम बुक्स को मॉनिटर और मैनेज कर सकता है। आप एप्स मैनेज कर सकते हो, ये ऐप व्हाइटलिस्ट करना है, ये ब्लैकलिस्ट करना है। जो एंड्रॉइड का एक्सेल है वो लैपटॉप यूज के लिए बना है या फोन इंटरफेस के हिसाब से बना है? सर लैपटॉप पे शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स सारे विंडोज में बनाए हुए हैं। फॉर एंड्रॉइड इजीली यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया बॉस, मेरे को तो नॉर्मल लैपटॉप जैसा लगा। राइट। थोड़ी स्पीड थोड़ी कम लगी ऐप क्लोज ओपन करने में, बट अदरवाइज नॉर्मल लैपटॉप लग रहा है बॉस। यही बेस्ट चीज है, लर्निंग कर्व बहुत कम है। चित्रांशु, एज अ पेरेंट अगर एक लेनोवो मुझे मिल रहा है 21,500 और आप मिल रहे हैं सिर्फ 6,000 कम। 6 नहीं 15। नहीं, ही इज सेलिंग एट 15,000। यस। तो कम है 6,000। तो मैं क्यों अपने बच्चे के लिए खरीदूंगी आपका वर्सेस एन एग्जिस्टिंग प्लेयर इन द मार्केट, वो भी आप मुझे कन्विंस कीजिए। बच्चों के फेवरेट एप्स एंड्रॉइड के, विंडोज का तो उनका एक्सपोजर ही नहीं हुआ, तो उनके फेवरेट एंड्रॉइड एप्स उनको प्राइम बुक में मिल जाते हैं। जो जियो का लैपटॉप आएगा विद द सिम, तो वो भी तो सेम, तो वो तो आपको बिल्कुल खा जाएंगे कच्चा। नहीं, हम तैयार हैं मैम। सबसे पहले हम एक टेलको से पार्टनरशिप करेंगे जो जियो का मेजर कॉम्पिटिटर है। दूसरा, हम काफी कैपिटल रेज करेंगे। तीसरा ये है कि हम ना अपने स्टोर का नेटवर्क इफेक्ट तैयार कर रहे हैं, मतलब वी आर रेडी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम जायंट से भिड़ रहे हैं। आई लव दैट आंसर। जो इनोसेंस होती है ना वो अच्छी है। ये इनोसेंस है कि फूलिशनेस है? स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये है कि हम कर पाएंगे, डरना नहीं है। तो अभी ये समझ आ गया कि ये लैपटॉप है फॉर 15,000 रुपीज। तो आपके पास कोई चीजें हैं कि ये प्राइस कम करने की इसकी, और वो क्या है? अभी प्राइस कम करने के लिए हमें अपने मार्जिन सही रखने होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एफिलिएट पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसमें प्री बंडल कंटेंट डाल दो तो ऐप वाला मेरे को पे करेगा, चिपसेट वाले का अगर मैं स्टिकर लगाता हूँ तो वहां से मेरे को पैसा मिलेगा। प्री बिल्ड का जो इकोसिस्टम है ना, वहां से हम कस्टमर के लिए प्राइस कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और वो कम हो सकते हैं या नहीं हो सकते? सर स्केल पे कम होगी। अभी क्या है? अभी तो 35% का मार्जिन है हम पे। ग्रॉस मार्जिन तो स्केल पे कहां तक आ जाएगी? ODMs ने बोला है कि 20,000 जब हम लॉट देंगे तो हम 10% कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप जो बेच रहे हो 15,000 में वो 13,500 में बेच सकोगे? बेच सकते हैं। Which is still expensive. ये 5,000 रुपए का कर पाएंगे आप विद पार्टनरशिप? थ्योरेटिकली तो यस पॉसिबल लग रहा है, अभी हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, बट कभी हमने ऑन पेपर टीम ने डिस्कस नहीं किया कि 5,000 पे ले जाना है। इसका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिलायबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर, तो आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करोगे? सर्विस नेटवर्क और हार्डवेयर तो फेल होगा ही होगा। तो सर हमने इंडिया को दो बेल्ट में डिवाइड किया हुआ है अभी, नॉर्थ और साउथ, और उसमें हम 21,000 पिन कोड पे सर्व कर रहे हैं। 350 से ज्यादा हमारे सर्विस स्टेशन है, हमारे दो मेजर पार्टनर्स है। थर्ड पार्टी आपने आउटसोर्स कर दिया? एक थर्ड पार्टी आउटसोर्स किया हुआ है। और रिलायबिलिटी क्या है हार्डवेयर की? चाइना में टेस्टिंग अच्छी तरह करी है, स्ट्रेस टेस्टिंग हुई है इसके ऊपर। ये चाइना में बना है? असेंबली इंडिया में होती है पूरी, मेजर पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं अभी के लिए। तो आप मुझे दो तीन चीजें बताओ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। सेल कब तक स्टार्ट करोगे? ऑलरेडी चालू है, ये बहुत बढ़िया क्वार्टर निकलने वाला है। कैसे? 3,000 लैपटॉप निकाल रहे हैं। अरे वाह।
और OS की लाइसेंसिंग कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में क्लाइंट है, 10,000 OS का परचेज ऑर्डर भी दे चुका है। सेल आपकी स्टार्ट हो रही है, आप कितने पीस बेच पाओगे इस क्वार्टर? 3,000 लैपटॉप बेचेंगे। कहाँ बेचोगे? सर एडटेक कंपनीज को बेचेंगे, NGOs को बेचेंगे। और इसको कंज्यूमर अडेप्ट पे कब लेके जा सकता है डायरेक्ट? क्या प्लान है उसका? फ्लिपकार्ट। कितनी प्रोडक्शन करोगे, कहाँ से करोगे, पैसे कैसे आए आपके पास? हमारा वर्किंग कैपिटल तो सॉर्टेड है। कैसे सॉर्टेड है? तो हमारे इन्वेस्टर पार्टनर है, वो हमारे इसमें पूरी वर्किंग कैपिटल डालते हैं। कितने पे उठाया था, कब उठाया था? 2018 में हमने 1 crore उठाया। क्या वैल्यूएशन? 6। ओके, उसके बाद? उसके बाद हमने 2019 में फिर से 1 crore उठाया 14 वैल्यूएशन पे। लास्ट ईयर हमने 25 करोड़ पे 1.5 crore उठाए थे। आपके पास पैसे कितने हैं? अभी हमारे अकाउंट में 1 crore रुपए हैं। बर्न कितना है महीने का? बर्न नहीं है सच। रेवेन्यू कितना आ रहा है महीने का? लास्ट मंथ हमने 20 lakh किया है। कैसे? परचेज ऑर्डर बुक किए हैं। किससे लिए है? आई ड्रीम एजुकेशन है। वो लेनोवो की जगह आपका ही लेना चाहते हैं क्योंकि उनका ऐप एंड्रॉइड बेस्ड है। चल मैं ऑफर देता हूँ। अरे ओके, चलो वेरी गुड, एक ऑफर मिल रहा है आपको। मैं ज्यादा तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारे को चाहिए था 75 lakhs 1.5%, तो मैं लॉजिकल ऑफर दूंगा 75 lakhs 4%। 4%? चलो मैं देती हूँ 75 lakh 3%। मैं ज्यादा नेगोशिएट नहीं करना चाहता, थोड़ा तो कर सकता हूँ। मैं भी आपको 75 lakh देता हूँ 4% के लिए, बट आई थिंक 3% जो आप मांग रहे हो लास्ट राउंड मैच करना, वो एक स्टीप आस्क है एट दिस स्टेज। चलिए मैं भी आपको एक ऑफर देता हूँ, एक तुक्का लगाते हैं 75 lakhs फॉर 3%। I want to be just like she's sugar, I'm sugar daddy. मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप काउंटर ऑफर कीजिए ऑल 5 शार्क डील का। मैं ऑल 5 शार्क में नहीं हूँ। ओके। क्यों? तुम गुंडे हो? हाँ थोड़ा सा। चलिए डिसाइड करने का टाइम आया। अरे एक सेकेंड ना, नमिता की ऑफर नहीं आनी पड़ेगी जाने से पहले? नहीं, आई एम आउट। तो मुझे लगता है अगर ये प्रोडक्ट मासेस तक जाना है, प्राइसिंग इज अ बिग इशू। और जब तक आप 5-6,000 नहीं लेके आएंगे, आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, हम डिस्कस कर। चलिए चार को क्लब कर देते हैं। वरना चार क्लब करेगा ना, पैसे ज्यादा मांगते हैं, बता रहा हूं। हां मैं इनको ऑर्डर दे देता हूं 8,000 लैपटॉप का। हाँ। मेरे यहाँ बहुत हर स्टोर में लगता है। चलिए वेलकम बैक गाइस। थैंक यू। तो शार्क्स, हमारा एक काउंटर ऑफर है, बहुत ही जेन्युइन ऑफर ही है, क्लोज कर। वो तो आपकी शक्ल से दिख रहा है चित्रांशु। 75 lakhs 2.5% पे क्लोज कर देते हैं। ढाई ढाई तो हम पे दो ऑफर 3 के हैं 2 4 के हैं। पिछले राउंड से भी ज्यादा वैल्यूएशन थे। हमारी वैल्यूएशन तो ज्यादा हो गई ना, हम लोग तो आपको ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं उनसे। चलो मैं मैच करता हूँ 75 lakh 3%। नहीं, हमारा काउंटर है 75 lakh 2.5%, मैच कर दो और सर क्लोज कर लेते हैं। और सारे चाहिए आपको? मतलब आप आज कोई एक? चलो मेरा 75 lakh 2.5%। चलो मेरा 75 lakh 2.5%। सर आप दोनों आ जाएंगे? आप दोनों आओगे फिर 3 लेंगे। अच्छा नहीं, तो फिर 2.5 पे आके क्लोज कर। चलो कौन ढाई वाला चाहिए, कौन सा वाला चाहिए? 3% दोनों को लो ना। फ्लिपकार्ट अमेज़न ना मैं जानता हूँ, सब्जी मंडी। गाइस 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 सर 75 lakh, आप दोनों आ जाओ 3%। ठीक है, डन। चल डन। थैंक यू, क्विक डिसीजन मेकिंग। अबे तूने चेक आधे का पहले ही बनाया था। चलो यार देखो, ये हार्डवेयर में हेल्प कर देंगे, मैं सॉफ्टवेयर में हेल्प कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, लेट्स रिक्रिएट द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंडिया। इस लैपटॉप से बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वेल डन, नाइस, वेरी नाइस। जिस स्पीड से इन्होंने क्लोज किया समझ में नहीं आया क्या चल रहा है।
मैंने ढाई दे दिया था भाई तो मैंने भी मैच कर दिया था हो गई थी डील ढाई पे और वो लड़ाई हो गई थी उन्होंने कि दोनों चाहिए आई हैव नो आईडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन वो 2.5% चल रहा था सडनली 3% पे कम डील बाकी हो गया समझ भी नहीं आया और इसने अनुपम अमन ने कहा नहीं नहीं मैं भी ढाई तो अब तो करना पड़ेगा तूने ढाई दे दिया तो और क्या फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़